Hello everyone, welcome back to my channel. You are watching Makeup Artist Rupak Shiny. आज की इस वीडियो में मैं क्रिएट करने वाली हूँ एक कलरफुल ब्राज़ीलियन आई मेकअप. इफ़ यू इंटरेस्टेड ऑन दिस आई मेकअप सो कीप ऑन वॉचिंग. आज मैं यूज़ करने वाली हूँ बी परफेक्ट कॉस्मेटिक से कार्निवल एक्सेल प्रो पैलेट. आप किसी भी और कलरफुल आई शेडो पैलेट से भी ये आई मेकअप क्रिएट कर सकते हो. सबसे पहले मैं यूज़ कर रही हूँ एक ऑरेंजिश येलो टोन. इस येलो कलर के साथ में ही यूज़ कर रही हूँ ग्रीन टोन. दोनों को अच्छे से ब्लेंड करना होगा. बहुत ही ज़्यादा हल्का प्रेशर देकर इन दोनों कलर को एक साथ ब्लेंड करना पड़ेगा. उसके बाद क्रीज लाइन पर अप्लाई कर रही हूँ एक स्काई ब्लू टोन, जो कि मैं ग्रीन टोन के थोड़े से नीचे अप्लाई कर रही हूँ. इस आई मेकअप को सीखने के लिए वीडियो को स्किप ना करके पूरा देखिए. स्काई कलर के साइड में ही अप्लाई कर रही हूँ डार्क ब्लू टोन और उसी कलर को थोड़ा थोड़ा करके मैं इनर कॉर्नर पर भी ला रही हूँ. ब्लू कलर के साथ अप्लाई कर रही हूँ पर्पल कलर. पर्पल टोन के साथ ऐड कर रही हूँ पिंक टोन. क्रीज लाइन पर जितना भी डार्क टोन मैंने डाला था उसी टोन का एक एक करके लाइट टोन में लूँगी और उस कलर को फेड कर दूँगी. इनर क्रीज लाइन को थोड़ा सा डार्क करने के लिए यूज कर रही हूँ डार्क ब्लू. अब क्रीज को दे रही हूँ फुल कट क्रीज शेप कंसीलर ब्रश और कंसीलर की मदद से.
कंसीलर को अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ ब्लेंडिंग स्पॉन्ज की मदद से। एक फ्लैट ब्रश की मदद से अप्लाई कर रही हूँ ऑरेंज कलर। अब सेम ब्रश ही अप्लाई कर रही हूँ एक पर्पल टोन। वाटर लाइन पर अप्लाई कर रही हूँ एक ब्लू जेल लाइनर। लोअर लैश लाइन पर यूज कर रही हूँ ब्लैक काजल। काजल को अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी एक डार्क ब्लू कलर लेकर। एक ट्रिपल जीरो ब्रश लेकर व्हाइट जेल लाइनर को अप्लाई कर रही हूँ क्रीज लाइन पर। अपर लैश लाइन पर ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा ब्लैक शेडो। पिंक एंड ब्लैक आई शेडो के ऊपर यूज कर रही हूँ मेकअप स्टूडियो का ग्लिटर ग्लू। ग्लिटर ग्लू के ऊपर अप्लाई कर रही हूँ मल्टी कलर की एक ग्लिटर। प्रो बोन एंड इनर कॉर्नर हाईलाइट कर लूंगी पिंक हाईलाइटर की मदद से। अब अच्छे से यूज कर रही हूँ एक मस्कारा। अगर आज के ये आई मेकअप अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कमेंट एंड शेयर। ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल बटन।